नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भूमि। वेलकम टू कैच लाइफ विद भूमि। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ किचन की मेकओवर टिप्स और किस तरह से मैंने अपनी किचन के लुक को चेंज किया। इन टिप्स से आप भी अपनी किचन को नया कर सकते हैं और इसमें कोई भी बहुत बड़ा आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत छोटे से अमाउंट से हम अपनी किचन को एक नया लुक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं किचन मेकओवर टिप्स। लेकिन उससे पहले, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं किस तरह से मैंने अपनी किचन के लुक को चेंज किया। तो सबसे पहला आता है, अगर आपके पास बजट है तो आप अपनी किचन की एक वॉल का वॉल कलर चेंज कर लीजिए। मेरी किचन की वॉल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उस पर मैंने कुछ इस तरीके से मैट्स लगा रखे थे। तो मैंने 7152 एशियन पेंट्स रॉयल के इस कलर से अपनी किचन का कलर चेंज किया। पर्पल कलर का शेड मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरी किचन पर्पल है, तो ये लाइट कलर का शेड मैंने चूज़ किया। उसके बाद देखिए, हमें वॉल को डेकोर करना था तो मैंने ये कुछ फ्रेम्स लिए, फ़ोटो फ्रेम्स लिए। ये 80-90 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक मिल जाते हैं। जितना बड़ा साइज़ आप लेना चाहें लीजिए। और मैंने इसको वाइट कलर के एक्रेलिक पेंट से पेंट कर दिया क्योंकि मैं अपने कलर कॉम्बिनेशन में वाइट कलर ही रखना चाहती थी। उसके बाद मुझे इन पे लगाना था वाइट कलर का चार्ट पेपर। और ये देखिए, मैंने लिए कुछ इस तरह से किचन की कोटेशंस, जो कि मैं मार्केट से कलर प्रिंट आउट एक मोटे पेज पे निकलवा लाई। 30 रुपीज़ पर पीस में ये मुझे प्रिंट आउट्स मिल गए। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप नेट से सर्च कर लीजिए और प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और फिर मैंने इनको प्लेस किया अपने इन्हीं फ़ोटो फ्रेम्स पे और देखिए ये कितने सुंदर लगने लगे। आप चाहें तो कई सारे कॉम्बिनेशन में करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो मैंने नेक्स्ट यूज़ किया, उसके लिए मैंने कुछ इस तरह का पेपर यूज़ किया और मैंने दो इसमें कोटेशंस लगा दी। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इन्हें कुछ दिनों बाद चेंज भी कर सकते हैं और ये बहुत ही नया और फ्रेश लुक देती हैं। तो देखिए, इस तरह से ये तैयार हो गए मेरे वॉल पे लगाने वाले किचन के पोस्टर बिल्कुल सस्ते दामों पे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट स्टेप है कि आप रीपेंट करिए कुछ चीज़ें। जैसे ये आरओ का स्टैंड था, इसको मैंने वाइट कलर के एक्रेलिक पेंट से ही कलर कर दिया क्योंकि ये स्टील कलर बहुत ही बेकार लग रहा था और पुराना सा लुक दे रहा था, और मैं अब इस पे आरओ रखती भी नहीं हूँ। उसके बाद जो कर्टेन की रॉड है वो भी काफ़ी गंदी हो गई थी, उसमें थोड़ी सी रस्ट लग गई थी, उसको भी मैंने वाइट कलर के एक्रेलिक पेंट से पेंट कर दिया। उसके बाद देखिए, हमारे पास किचन में बहुत सारे ओल्ड जार्स, कैंस होते हैं। मैं अपने वीडियोस में दिखाती रहती हूँ कि आप इन्हें किस तरीके से चेंज कर सकते हैं इनका लुक। तो ये मेरे पास कुछ स्टील के डब्बे थे और कुछ ऑयल कैंस थी, इनको मैंने स्प्रे पेंट से पेंट करने की सोची। यहाँ पे ऑयल कैन का ये जो ट्रांसपेरेंट वाला पोर्शन है, इसको मुझे पेंट नहीं करना था, तो मैंने इसके ऊपर लपेट दिया एक पेपर टेप या कोई भी टेप आप इस पे लपेट सकते हैं। और स्प्रे पेंट से किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में आप स्प्रे कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है स्प्रे करना। मैंने इन्हें स्प्रे करने के लिए वाइट और गोल्डन कलर का यूज़ किया। तो देखिए, ये है स्प्रे पेंट, और इस वाइट कलर के स्प्रे पेंट से मैंने इस तरह से कुछ ग्लास की चीज़ें मैंने स्प्रे पेंट कर ली। तो देखिए, सूखने के बाद ये डबल कोट मैंने इसमें किए, तो ये मैसन जार्स और स्टील की कुछ चीज़ें कुछ इस तरह से लगी। अगर आप भी चाहते हैं कुछ नया करना तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। आपकी किचन का कलर जिस तरीके का भी हो, उसी कॉम्बिनेशन में आप इनको क्या कर सकते हैं, आप इनको स्प्रे पेंट से पेंट कर सकते हैं। मैं तो अपनी मसाला दानी या स्पाइस कंटेनर को भी सोच रही थी कलर करने के लिए। तो आप भी इसी तरीके से कलर कर लीजिए कुछ पुराने आइटम्स को और वो बिल्कुल नया लुक आपको देने लगेंगे। इसी के साथ साथ हर घर में देखिए, एक अनियन पोटैटो रैक हमें मिल जाती है इस तरह की, इसको भी स्प्रे पेंट कर लीजिए। मैंने इसे ब्लैक कलर के स्प्रे पेंट से स्प्रे किया और ये यकीन मानिए बहुत ही सुंदर लगने लगी। और देखिए, ये शेल्फ भी मैंने ब्लैक कलर के स्प्रे पेंट से पेंट करी। तो आप इनको पेंट कर लीजिए, बहुत अच्छा लुक देंगी।
अब देखिए, जो रैक्स आपके पास अगर किचन में हैं या आपके किचन के जो डोर्स हैं वो पुराने हो गए हैं, तो आप उनको भी नया लुक दे सकते हैं। जैसे देखिए, मैं अपने वीडियोस, मेकओवर वीडियोस में आपको बताती हूँ कि किस तरह से पुराने फर्नीचर को आप वॉलपेपर लगा के चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से किचन के डोर्स को भी आप वॉलपेपर लगा के, रैक्स को, शेल्फ्स को वॉलपेपर लगा के बिल्कुल एक नया लुक दे सकते हैं। कोई भी कलर आप ले सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो देखिए, ये रैक बिल्कुल एक किचन के काउंटर टॉप की तरीके से व्हाइट मार्बल की लगने लगी और बिल्कुल नई हो गई। अब देखिए, पेंट के बाद जितने भी आपके प्लास्टिक के डब्बे हैं उन्हें धीरे धीरे करके ग्लास में कन्वर्ट करिए। जैसे मैंने मंथली बजट में हर बार में 5 डब्बे लेकर आती हूँ ग्लास के, और धीरे धीरे मैं अपने प्लास्टिक जार्स को डिस्कार्ड करती जा रही हूँ किचन से। इसके अलावा आप किचन में डेकोर पीसेस को चेंज कर सकते हैं और किचन की विंडो को डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत सारे आइटम्स आते हैं मार्केट में जिनसे आप किचन को डेकोरेट कर सकते हैं। किचन विंडो को डेकोरेट करने के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि मैंने किस तरह से किचन की विंडो को डेकोरेट किया है। तो देखिए, कुछ इस तरह से किचन की विंडो को हम डेकोरेट कर सकते हैं, वीडियो ज़रूर चेक करिएगा। तो इसमें आप प्लांटर्स लगा सकते हैं। तो मेरे 2-3 वीडियो विंडोज़ को डेकोरेशन करने पे हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम अपनी किचन का लुक बिल्कुल नया कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, एक किचन में ज़रूर रखिए इस तरीके का, कुछ भी आप नोट करने के लिए ज़रूर रखिए। मैंने एक फ़ोटो फ्रेम के पीछे वाइट पेज चिपका दिया है और एक मार्कर रख दिया। बहुत आसान है इस पे लिखना और इसे वाइप कर देना या साफ़ कर देना। तो देखिए, अब देखिए मेरी किचन का फाइनल लुक मेकओवर होने के बाद कैसा लगा। मुझे ऐसा लगता है आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये है नाइट लुक, बिल्कुल ही मेरी किचन चेंज हो गई। और मुझे सजेशन भी दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी पहली वाली किचन अच्छी लगी या ये किचन आपको अच्छी लग रही है। और जिन लोगों ने मेरे किचन का वीडियो नहीं देखा है, Part 1, Part 2 दो पार्ट्स में वो है, आप चेक करिए, कंपेयर करिए और मुझे बताइए कि मेरी किचन का लुक आपको अब कैसा लगा मेकओवर होने के बाद। इस मेकओवर में देखिए, अब देखिए डे टाइम लुक। इस मेकओवर में मैंने केवल वॉल को पेंट कराने के ऊपर ही थोड़ा सा एक्सपेंडिचर किया, अदरवाइज सारी पुरानी चीज़ों को ही मैंने नया किया है। डे टाइम में किचन की खिड़की से आती है बहुत ही अच्छी एक लाइट और एक रोशनी। तो फ्रेंड्स, ये है देखिए किचन का पूरा लुक। रैक को देखिए, मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है, वो भी यहाँ रखी हुई है। ये सारी जो वॉल पे लगी हुई फोटो फ्रेम्स हैं बेहद शानदार लग रही हैं। गोल्ड और वाइट कलर से पेंट किए हुए ये पुराने मेसन जार्स, ऑयल केन्स और छोटे मोटे ग्लास के आइटम्स बिल्कुल किचन के लुक को चेंज कर दे रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया लुक लगा, मुझे भी बहुत पसंद आया। कलर के हिसाब से भी मैंने मैचिंग करने की कोशिश करी। तो इसी तरीके से आप भी इन्हीं टिप्स को यूज़ करके अपने किचन को एक नया लुक दे सकते हैं। थोड़ा सा हमें कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना है, कुछ डेकोर आइटम्स को देखना है। और अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन, किचन विंडो के ऊपर, तो आप वो भी मेरे किचन के जितने भी वीडियोस हैं प्लीज़ ज़रूर देखिए। मैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा किचन मेकओवर के टिप्स के ऊपर वीडियो। पसंद आए लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के संग। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।